Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics from the chapter number 4, Agriculture from a book, Geography. तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. हमने इससे पहले क्या करा था, हमने इससे पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बोल सकते हैं आप, उसे करा था. उसके भाई दो भाई बहन थे, इंटेंसिव और प्रिमिटिव. तो इंटेंसिव हमने कर लिया था, अब हम प्रिमिटिव करेंगे. प्रिमिटिव के भाई दो भाई बहन है, ठीक है. वो कौन कौन है? प्रिमिटिव के दो भाई बहन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड आ जाता है नोमैडिक हर्डिंग आ जाता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम कर लेते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली हमने पहले भी बहुत एक दो चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. बहुत ज्यादा कॉमन चीज है. एक पर्टिकुलर प्लॉट होता है, ठीक है. एक पर्टिकुलर लैंड ले लीजिए आप, उसके अंदर ऑब्वियसली पेड़ पौधे होंगे. पेड़ पौधे को काट दिया जाता है, उलाड़ी उलाड़ी से काट दिया जाता है, और फिर काटने के बाद उस पूरे के पूरे लैंड को जला दिया जाता है. एक बहुत बड़े लैंड का छोटे से पार्ट लेते हैं, ठीक है. उसका सारा का सारा पेड़ पौधा काटने के बाद उसे जला दिया जाता है. जलाने के बाद ऑब्वियसली राख बचेगी. तो राख क्या करते हैं वो लोग, जब राख ठंडी हो जाती है, उस राख को मिट्टी उधर की सॉइल के साथ मिला देते हैं. सो वो जो राख होती है बहुत उपजाऊ होती है, फर्टिलिटी बहुत बढ़ा देती है. एंड उसके बाद वो लोग ऐसे करके दाने छिड़क देते हैं, सीड्स छिड़क देते हैं जो भी क्रॉप उन्हें उगाना है. उसके बाद वो क्रॉप उग जाता है. जब तक वो क्रॉप उग रहा होता है तब तक वो दूसरे लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं एंड दूसरे लैंड के साथ भी वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है. वो क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हैं वहां से तो वो लैंड बंजर पड़ जाता है. फिर उसके बाद वहां वेजिटेशन होने लग जाती है और फिर उस वेजिटेशन को वापस काट के फिर से वही सारा प्रोसेस होता है. एक एक पर्टिकुलर लैंड, पैच ऑफ लैंड में ये सब करते रहते हैं, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. आराम से इसको और भी डिस्कस करते हैं जिससे आपको और ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा. डन इन थिकली फॉरेस्टेड एरिया ऑफ एमेजॉन, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एरिया विद हैवी रेनफॉल एंड फास्ट वेजिटेशन. ये सबसे ज्यादा वही होती है जहां पे बहुत जल्दी घास फूस उग जाती है, क्योंकि भाई लैंड को काटा जाता है, उसे जलाया जाता है और फिर वो लैंड ऐसी खराब पड़ी रहेगी, उसके अंदर वेजिटेशन नहीं होगी तो कैसे चलेगा प्रोसेस आगे. तो इसीलिए लैंड के ऊपर जल्दी से वेजिटेशन आ जाती है. जिस लैंड पे वहां पे सबसे अच्छा होता है, सबसे ज्यादा होता है. फॉरेस्टेड एरिया में बहुत जल्दी घास फूस उग जाती है, ठीक है. सो आपने पता कर लिया साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट इंडिया, बहुत जगहों पे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन कराया जाता है, ठीक है. फिर यहाँ पे आ जाते हैं इसके कुछ मेथड्स हैं, जरा देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है. प्लॉट इज क्लियर्ड एंड बर्न, ठीक है. एक प्लॉट लेते हैं, उसको पूरा क्लियर कर दिया जाता है, उसको पूरी तरीके से. मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरा का पूरा लैंड ले लेते हैं, छोटा सा पैच लेते हैं, एक छोटा सा लैंड लेते हैं, ठीक है. फिर उसको काटा जाता है, सारे के सारे पेड़ पौधों को काट के बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, ठीक है. उसके बाद लेटर एशेज आर मिक्स विद सॉइल क्रॉप लाइक मेज, कसावा. तो अभी क्या बताया जा रहा है, एशेज क्या करते हैं, वो सॉइल के साथ मिला देते हैं, ठीक है. सॉइल के साथ मिला देते हैं एंड उसके बाद वहां पे भाई ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्रॉप कौन कौन से उगाते हैं, पोटैटो, कसावा. कसावा ये भी एक तरीके का पोटैटो ही ले सकते हैं आप, ये बाहर मेक्सिको में बहुत खाया जाता है. मेज हो गया, मेज को भुट्टा भी कहते हैं, जो आप खाते हैं नींबू में डाल के भुट्टा बनता है भाई. भुट्टा भी इसी कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के जरिए ग्रो करा जाता है बहुत से पार्ट में. और याम एक तरीके का आई थिंक सब्जी होता है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि याम एक तरीके का एक्चुअली आप कह सकते हैं शलगम की वैरायटी है, ठीक है. सो याम, कसावा, पोटैटो, मेज ये सब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के थ्रू उगा लिए जाते हैं, ठीक है. फिर क्या बता रहे हैं, आफ्टर लॉस ऑफ फर्टिलिटी फार्मर मूव्स टू अनदर पैच ऑफ लैंड. अब यहाँ पे सारा का सारा भाई उगा लिया, उगाने के बाद थोड़ी फर्टिलिटी कम हो जाती है. सो क्या करते हैं ये लोग, दूसरे पैच ऑफ लैंड पे चलते हैं. तब तक वहां पे क्या हो रहा है, घास फूस उग रही है, तब तक ये लोग दूसरे पैच ऑफ लैंड पे भी वही सब कर लेते हैं जो करा था. उसके बाद ये वापस वेजिटेशन को काटते हैं, वापस ये सब करते हैं. सो एक पैच ऑफ लैंड से दूसरे पैच ऑफ लैंड, दूसरे पैच ऑफ लैंड से तीसरे पैच ऑफ लैंड, ऐसा क्यों करते हैं? एक या दो के अंदर क्यों नहीं खेलते रहते, क्योंकि 3 साल तो लगते ही है भाई. 3 साल उस वेजिटेशन को वापस आने में, फर्टिलिटी को आने में टाइम लगता है, इसीलिए अलग अलग लैंड में ये चलता रहता है, ठीक है. सो ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न, इसी को स्लैश एंड बर्न, स्लैश मतलब कि बिल्कुल काट दिया और बर्न मतलब कि जला दिया. तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी इसको कहा जाता है, किसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को. फिर हम आ जाते हैं नोमैडिक हर्डिंग में.
प्रिमिटिव के दो भाई बहन थे, शिफ्टिंग एंड नोमैडिक। तो अब हम करते हैं नोमैडिक हर्डिंग। ये क्या आ जाता है, ये इसका सेकंड भाई आ गया भाई, नोमैडिक हर्डिंग डन इन सेमी एरिड लैंड एंड एरिड लैंड। सेमी एरिड लैंड या एरिड लैंड मतलब कि जहां पे पानी भी होता है और हल्का बहुत खेती भी होता है और थोड़ा सा सूखा भी होता है, मतलब इतना नहीं बिल्कुल ग्रास लैंड हो गया, बहुत ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड है, फॉरेस्टेड ऐसा नहीं, थोड़ा सा सूखा भी है थोड़ा सा ग्रास भी है, ठीक है। सो सहारा ले लीजिए, अब सहारा में होता है, सेंट्रल एशिया में होता है, राजस्थान में होता है, जम्मू में होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रियरिंग जो हर्डिंग होती है, जानवरों को जो चराया जाता है, वो बहुत ज्यादा ग्रासी जगह पे चराया जा सकता है। पर्वतीय इलाकों में भी जाते हैं, हिली टोपोग्राफी में भी जाते हैं और बहुत ज्यादा ग्रास लैंड में भी जाते हैं, अलग अलग जगह पे होता है, ठीक है। कैमल को आपने देखा होगा सहारा में कैसे रह लेता है, तो हर एनिमल के हिसाब से अलग अलग जगह में होता है, ठीक है। और हर्ड्स में मूव्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद एनिमल्स लाइक याक, कैमल, शीप फॉर फॉर्डर एंड वाटर। तो हर्ड्समैन कौन होते हैं भाई, जो चरा रहे होते हैं, चरवाहा होते हैं, जो इनको लेके झुंड को पूरा कंट्रोल करके लेके जा रहा होता है कि कोई एनिमल इधर ना चला जाए। सो उसको एक तरीके से क्या करते हैं, पकड़ पकड़ के चल रहा होता है वो। और फॉर फॉर्डर एंड वॉटर, जब वो चढ़ा रहे होते हैं अपने एनिमल्स को, तब वो थोड़ी लकड़ियां भी इकट्ठा कर लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ा पानी भी इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है भाई। घर वापस खाली हाथ नहीं आते हैं। फिर क्या होता है, दे प्रोवाइड मिल्क, वूल, हाइड्स एक्सेट्रा फॉर देयर फैमिली, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बताया गया, कौन देते हैं ये सारी चीजें, ऑब्वियसली जो जानवर है, जो पहले पहले जानवर है, बफेलो हो गए या कैमल, शीप, ये जितने भी जानवर हो गए, बेसिकली इनकी हर्डिंग होती है। तो क्या क्या चीजें देते हैं, ये मिल्क देते हैं, वूल देते हैं, हाइड्स, हाइड्स को क्या कहते हैं, हाइड्स जो जानवर की जो चमड़ी निकाली जाती है उसी को हाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। सो ये फैमिली के लिए होता है, बेसिकली नोमैडिक हर्डिंग फैमिली के लिए भी होता है, वो अपने फैमिली को ही दूध वूध पिला देते हैं, अंडे वंडे मिल जाते हैं, एक्चुअली हेंस नहीं होते हैं उसमें, सॉरी मिल्क आ जाता है और मीट वीट मतलब फैमिली को दे देते हैं। बाकी बहुत से ऐसे हर्डर होते हैं जो उसे बेचते भी हैं आगे जाके, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एनिमल्स यू हैव, अगर आपके पास दो बफेले होंगे तो कितना ही दूध निकलेगा, अगर अच्छा खासा तबेला होगा तो आप वो बेच सकते हैं वो दूध, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन एनिमल्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया काउ देख लिया, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे छोटे छोटे शीप, शीप में वूल बहुत होता है, आपको पता है, तो वूल भी निकाला जाता है इसमें से। और देखिए ऐसे करके हर्डिंग करते हैं, इनके भाई जानवर बहुत अच्छे होते हैं, कहीं इधर उधर जाते नहीं है, उनको पता है अपने झुंड के साथ रहना उनको, ठीक है। सो दिस वॉज नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है। नोमैडिक हर्डिंग हमने कर लिया है एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी हमने कर लिया है, जो प्रिमिटिव प्रिमिटिव फार्मिंग के भाई बहन थे, ठीक है। सो बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।